Hello friends, this is Dr. Bakul Dev from Unacademy Studios Placebo. और ये हमारा ठीक 3 बजे वाला सेशन है बच्चों, जिसमें हम 11th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है एनिमल किंगडम. इस यूनिट के बेसिक्स हम सारे पढ़ चुके हैं, फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, यहाँ तक की चीज़ें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं. अब इसके बाद की चीज़ें, सिलेंट्रेटा का कुछ बचा हुआ हिस्सा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. तो हम हमारा सेशन स्टार्ट करें, उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसेबो है एंड दिस इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर नीट एज वेल एज एम्स. ये जो टीम बच्चों पीछे दिखाई दे रही है आपको, 6 लोगों की ये टीम है और हम पूरे दिन में 12 आवर्स रोजाना लाइव क्लासेस लेते हैं, मॉर्निंग टू नाइट. सभी सब्जेक्ट्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चारों को हम एग्जॉस्टिवली कवर कर रहे हैं. इस टीम और इसके टाइमिंग्स के बारे में मैं जल्दी से आपको बताता चलूं, फिर हम हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे. अमित सर आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं बच्चों, शाम 5 बजे और रात 11 बजे. दीपक सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे. आनंद सर आपको जूलॉजी पढ़ा रहे हैं, सुबह 10 बजे, रात 10 बजे. मैं आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ दोपहर 3 बजे इस वाले सेशन में और रात को शाम को 7 बजे, जहाँ हम 12th का पूरा सिलेबस अगस्त के मंथ में कवर करने वाले हैं. ऋतु मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हैं शाम 4 बजे, शाम 6 बजे. और रोहित सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे. ये इस वक्त नीट और एम्स के लिए बेस्ट अवेलेबल टीम है और ये पोर्टल जो है अनअकैडमी स्टूडियोज प्लस है, वो ये नीट और एम्स के लिए इस वक्त बेस्ट अवेलेबल पोर्टल है. तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए इससे, इस टीम के साथ जुड़े रहिए, अपने जो जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करते जाइए अच्छे से और नीट और एम्स में बहुत अच्छी रैंक आप स्कोर करने वाले हैं, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ. जो कंटेंट बच्चों यहाँ पर आपको मिलने वाला है वो बहुत ही वेरीफाइड, बहुत ही प्रिसाइज्ड कंटेंट होगा और उस कंटेंट के अलावा आपको और भी कुछ और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत कहीं से भी नहीं होगी, दैट इज़ फॉर श्योर. तो हम चलें आगे, जो नए बच्चे हैं उनके लिए जल्दी से बताता चलूं, मायसेल्फ डॉक्टर बकुल देव, मैं जयपुर से हूं और लगभग 15 साल से मैं मेडिकल एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं. लगभग 12,000 बच्चों को मैंने ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया है, जिसमें से 2,500 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों स्टूडियोज प्लेसेबो के जरिए पहली बार मैं आप सब लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूं और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी, जब पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों से, अलग अलग कोनों से स्टूडेंट्स इस सेशन में आते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछते हैं और रियल टाइम में हम कोशिश करते हैं कि उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएं, साथ साथ में सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स भी उनके क्लियर कर पाएं. तो बच्चों हम आगे चलें, उससे पहले जरा प्लस एडवांटेजेस देख लो थोड़े से. अनअकैडमी प्लस जो प्लेटफॉर्म है स्टूडियोज प्लेसेबो के अलावा, एक और प्लेटफॉर्म जो अनअकैडमी प्लस है उसमें बहुत सारी चीजें प्लस हैं. तो जो जो चीजें प्लस हैं उनको मैं आपको बताऊं जरा. रूटीनली क्विजेज और टेस्ट हम लोग वहां ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्लस प्लेटफॉर्म पर. वीकली एक क्विज होता है, फिर यूनिट कंप्लीशन पर क्विज होता है, पीरियोडिकली टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं. ये पहला एडवांटेज है. डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन हर चौथी क्लास, वहां पर हम डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं, जिसमें हर बच्चे के जितने भी डाउट्स हैं पर्सनलाइज्ड फॉर्म में हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. और डाउट आपके पूछने के लिए भी वहां सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं, आप इजीली अपना क्वेश्चन का, डाउट का इमेज अपलोड कर सकते हैं, वो इमेज स्क्रीन पर आ जाता है, सारी क्लास के बच्चे उसे देख पाते हैं और उसको हम कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस करते हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए. ये दूसरा एडवांटेज हुआ. लाइव क्लासेस डेली 30+ आवर्स की लाइव क्लासेस वहां चल रही हैं अलग अलग एजुकेटर्स की, सारी लाइव क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं. पर्सनलाइज्ड लर्निंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब ये हुआ कि जिस वक्त आपके पास प्रॉपर टाइम है, जिस वक्त आप अपना कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं, उस टाइम स्लॉट को पिक करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपना स्केड्यूल मेंटेन कर सकते हैं.
और अगर बाय चांस कोई क्लास मिस होती है बच्चों, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हैं, हर लेक्चर के बाद पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उसके नोट्स में मिलते हैं। तो प्लस के बहुत 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 एडवांटेजेस हैं और आप सबको प्लस प्लेटफॉर्म ऑप्ट करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ। ये प्लस पर जो डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, देखिए एसेंट फॉर क्लास 12th जो हम चार लोग पढ़ा रहे हैं अभी, बॉटनी पढ़ा रहे हैं आपको अमित सर, फिर रोहित मालव सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ, आशुतोष सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी में अलग से कोर्सेज चल रहे हैं, एसेंट फॉर क्लास 12th चल रहा है, अराइज फॉर ड्रॉपर्स चल रहा है, अलग अलग तरह के बैचेज अलग अलग टीम के साथ वहां पर कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। हम लोगों ने अभी जो दो नए कोर्स लॉन्च किए हैं बच्चों, वन इज एसेंट फॉर क्लास 12th जिसमें 12th का पूरा सिलेबस हम कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ रहे हैं, मैं आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ, रोहित सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आशुतोष गौरव सर आपको केमिस्ट्री और अमित दीक्षित सर आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं। और जो इंडिविजुअली मैंने वहां पे कोर्स एक लॉन्च किया हुआ है, दैट इज कंप्लीट कोर्स ऑन जूलॉजी फॉर ड्रॉपर्स, जिसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस कॉम्प्रहेंसिवली मैं कवर कर रहा हूं, और इस सेशन के कंप्लीट होने तक माने कि दिसंबर एंड तक हम दोनों ही कोर्सेज को कंप्लीट पूरा पढ़ लेने वाले हैं। तो बच्चों सीधे सीधे मैं आपको बता दूं कि जो अभी क्लास 12th में है या जिन्होंने अभी 12th क्लियर किया ड्रॉप कर रहे हैं, दे मस्ट ऑप्ट फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन जिसका फी है बच्चों 25,000 फॉर 12 मंथ्स। और वहां आपको सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ये एक रेफरल कोड यूज कर लेना है बकुल 10, जिससे आपका फी 10% और डाउन हो जाने वाला है। और जो बच्चे अभी ये देखिए 22,500 पे आ गया फी, और जो बच्चे अभी 10th के बाद सीधे 11th में आ गए हैं, 11th में आते ही उन्होंने अपना एम फिक्स कर लिया है कि हमें डॉक्टर बनना है, एम्स में या नीट में सेलेक्ट होना है, दे मस्ट ऑप्ट फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। और इसका फीस तो कुछ भी नहीं है, 40,000 फॉर 2 ईयर्स, और उसके बदले में क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं देखिए, 30+ hours ऑफ लाइव सेशन, मोर देन 35+ टॉप एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, नोट्स, डाउट्स, क्विज, ठीक है, टेस्ट, डीपीपीज, नोट्स, एवरीथिंग इज बीइंग मेड अवेलेबल टू यू। और यहां भी अगर आपने रेफरल कोड यूज किया बकुल 10, जो कि आपको करना ही है, तो ये 40,000 फीस आ जाएगा बच्चों 36,000 पर, 36,000 फॉर 2 ईयर्स, 18,000 फॉर 1 ईयर, 1,500 फॉर अ मंथ। इट इज नथिंग अगेंस्ट द कॉन्टेंट विच यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। तो प्लस को सब्सक्राइब करो बच्चों जल्दी से। अब हम हमारे सेशन पर आ जाएं जल्दी से और उसी रूटीन पर चलते हैं बच्चों, उसी रास्ते पर चलते हैं जो हम डेली पिक करते हैं। तो क्या करते हैं जी, हम सबसे पहले हम 1 मिनट के लिए वो चीजें देखते हैं, वो लिस्ट देखते हैं सारी की सारी जो चीजें हमने पहले के सेशंस में अच्छे से कवर कर ली हैं, जिससे जो बच्चे आज पहली बार सेशन में आए हैं उन्हें ये पता चल जाए कि ये टॉपिक्स, ये कॉन्सेप्ट्स हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो देखो क्या क्या पढ़ चुके हैं, हैबिट एंड हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी प्लान्स, सेगमेंटेशन, सिमेट्री, सीलोम एज वेल एज हीमोसील, सेफलाइजेशन, अपेंडेजेस, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्लासिफिकेशन चार्ट, जो कि अगर आपके टिप्स पर है तो आपको लगभग आधे जनरल करेक्टर किसी भी फाइलम के याद हो जाएंगे, प्रोटोजोआ पूरा पढ़ चुके हैं, पोरीफेरा और सील एंट्रेटा में कुछ थोड़ा सा हिस्सा बच गया है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। अब मैं जरा क्विज वाले सेक्शन पे आऊं। दूसरा काम हम क्या करते हैं बच्चों, कोई भी सेशन स्टार्ट होने से पहले हम एक छोटा सा क्विज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करते हैं जिससे कि आपका रिद्म भी बन जाए, पुराने सेशंस में आपको क्या क्या चीजें याद थी वो भी पता चल जाए। अब मैं जल्दी से देख लूं कौन कौन बच्चे क्लास में आ गए हैं, विजय, काजल ओझा, सोफिया, HSAP यादव, आपका पूरा नाम क्या है बेटा, निखिल श्रीवास्तव, जसवंत सिंह, तन्वी तूर, एक बच्चे का नाम है ऑल इन वन, वेरी गुड, मिनाती, तरुण धीर, पार्वती, अनिक सरकार। तरुण कह रहे हैं सर मुझे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ना है स्टार्टिंग से, बिल्कुल आप देखिए ना पुराने सेशन सब आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, आप हेडिंग लिखिए उस पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मेरा नाम लिखिए, अनअकैडमी लिखिए, वीडियो आ जाएगा आपके सामने, उसको देखिए पूरे सेशन को। पार्वती, विजय, किम्मी जैन, डेजलिंग मनीष, एवराज,
क्रिएशन ऑफ राहुल, देखो कैसे कैसे नाम बच्चों ने रखे हुए इंटरेस्टिंग, एलेना, अर्पित, आशीष और कौन कौन है, कोमल अग्रवाल, ऋषभ जैन, प्रीति तोमर, कालिदास सोलंकी। कालिदास कह रहे हैं आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर प्लस कोर्स। बिल्कुल आप प्लस कोर्स ज्वाइन कीजिए, प्लस सब्सक्राइब कीजिए, उससे रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो हमसे पूछिए। और इस वीडियो में भी नीचे आपको लिंक मिलेगा प्लस को सब्सक्राइब किस तरीके से करना है, वो सारी डिटेल्स आपको उसमें मिलेंगी। बितेश, मनोज कुमार ठाकुर, चलो बच्चों अब आप बहुत सारे बच्चे आ गए हैं क्लास में, बाकी आते रहेंगे जुड़ते रहेंगे, हम हमारा क्विज वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। और ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर डेस्मोनीम। डेस्मोनीम बच्चों मैंने कल ही पढ़ाया है आपको जब हम स्टिंग सेल के टाइप पढ़ रहे थे। पहला ऑप्शन है इट इज स्मॉलेस्ट स्टिंग सेल, दूसरा है इट इज ऑल्सो नोन एज वॉल्वेंट, तीसरा है इट किल्स द प्रे, चौथा है इट इज क्लोज फ्रॉम द टर्मिनल एंड। गलत कौन सा है इनमें, एक स्टेटमेंट आपको पिक करना है जो कि गलत है। लेट मी सी कौन कौन बच्चे इसको रिप्लाई कर पाते हैं। नैतिक कह रहे हैं थ्री, मिनाती कह रही है वन, कोमल थ्री, अर्पित वन, एलेना कह रही है टू, तन्वी कह रही है वन, कॉल मी जस्ट रूबेल, ठीक है आपको रूबेल कहेंगे। अब आप आंसर दीजिए जल्दी से। किमी जैन वन 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 वन, बहुत सारे बच्चे वन कह रहे हैं, कोई थ्री कह रहा है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। बच्चों कल हमने पढ़ा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है डेस्मोनीम के बारे में। डेस्मोनीम सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट, इसी का नाम वॉल्वेंट भी है, और इसका थ्रेड जो है वो आखिरी सिरे से बंद होता है, इस वजह से ये कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई भी फ्लूइड इंजेक्ट नहीं कर पाते किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो दे विल नॉट बी एबल टू किल द प्रे। सो द करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड, स्मॉलेस्ट है बिल्कुल ठीक है, वॉल्वेंट भी बोलते हैं इसको, थ्रेड इसका टर्मिनल एंड से क्लोज्ड है, करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड। और देखो अभी भी बच्चे 1111 आंसर दिए जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई आप कंफ्यूज हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलें बच्चों। लो, कॉलोनियल सिलेंट्रेट, ऐसा सिलेंट्रेट जो कॉलोनी बना के रहता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑरेलिया ऑल्सो नोन एज जेलीफिश, मेट्रीडियम ऑल्सो नोन एज सी एनिमोन, फाइसेलिया ऑल्सो नोन एज पुर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, Obelia also known as sea fur. So let us see second question को कौन कौन reply कर रहे हैं। Elena कह रही है three, Nathik कह रहे हैं three, Anik सरकार कह रहे हैं four, Nikhil कह रहे हैं one, Komal three. देखो फाइसेलिया जो है इट फॉर्म्स अ कॉलोनी, ये पेरिसार्क होता है, ये पूरा कॉलोनी वाटर में स्विम करता है और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन ऑर्गेनिज्म्स को हम कहते हैं जूइड्स, जैसे कोई गैस्ट्रोजूइड है न्यूट्रिशन के लिए, कोई गोनोजूइड है जो रिप्रोडक्शन में काम आएगा। तो थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर, देख लें कौन कौन से बच्चों ने थर्ड आंसर दिया है, चेक कीजिए। तीसरे क्वेश्चन पर चलें बच्चों, देखो कंफ्यूज मत हुआ करो, थोड़ा अच्छे से ठंडे दिमाग से पहले क्वेश्चन को देख लिया करो, चारों ऑप्शंस को क्रिटिकली एनालाइज किया करो, उसके बाद में रिस्पॉन्ड किया करो, ठीक है, इतना जल्दबाजी से काम मत लिया करो। लो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज अ स्टेम सेल, इंटरस्टीशियल सेल, स्टिंग सेल, आर्कियोसाइट, बोथ वन एंड थ्री। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम ये वाला सवाल जो है इसको कोई भी बच्चा गलत रिप्लाई नहीं करेगा। निखिल कह रहे हैं ये कब बताया आपने, अभी देखो जब आगे वाली स्लाइड्स पे चलूंगा ना तो याद आ जाएगा आपको। टू, कोमल वन, अर्पित फोर,
1, 4, देखो इसमें भी बहुत सारे बच्चों के आंसर गलत हैं। इंटरस्टीशियल सेल किसमें मिलता है बच्चों? सीलेंट्रेट्स, और सीलेंट्रेट्स में है और उसमें रीजनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और आर्कियोसाइट किसमें मिलता है? स्पॉन्जेस में। और स्टेम सेल का मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड सेल, जो किसी भी और दूसरे तरह के सेल में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 3। यहीं से यह भी याद रख लो कि स्पॉन्जेस में अगर क्वेश्चन यू पूछा जाता आपसे कि भाई स्पॉन्जेस में रीजनरेशन की एबिलिटी के लिए कौन सा सेल रेस्पॉन्सिबल है, आंसर वुड हैव बीन आर्कियोसाइट। आपसे यू पूछ लिया जाता कि सीलेंट्रेट्स में रीजनरेशन के लिए कौन सा सेल रेस्पॉन्सिबल है, द आंसर वुड हैव बीन इंटरस्टीशियल सेल। एंड व्हाई? बिकॉज दे आर स्टेम सेल, दे आर टोटीपोटेंट सेल। एक और टर्म यूज करते हैं ना यहां पे, टोटीपोटेंट। कई जगह पे इसको प्लूरीपोटेंट भी लिखा हुआ मिलेगा। कहने का मतलब ये सेल किसी भी और सेल में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। तो चलिए जी, काफी बच्चों ने आंसर ठीक दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जंप करें। हाँ, अब मैं देखना चाहता हूं कि इसका आंसर कौन सही बताता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल कैरेक्टर तो सीलेंट रेटा, और इसको अच्छे से पढ़ना, डोंट जंप ऑन द आंसर क्विकली। अच्छे से पढ़ो, दिमाग यूज करो थोड़ा सा, उसके बाद आंसर देना। लार्वल स्टेज ऑफ हाइड्रा इज एम्फीब्लास्टुला, पेरेन्काइमुला, प्लेनुला, नन ऑफ द अबव। लेट मी सी कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। मुझे लग रहा था अभी तक देखो हर बच्चे ने आंसर 3 दिया है। एक बच्चे ने पहली बार आंसर सही दिया है, दो बच्चों ने। कौन कौन से बच्चों ने? निखिल और अनिक सरकार, बस इन दो बच्चों के आंसर अभी सही आए हैं, बाकी मनोज कुमार ठाकुर। देखो सीलेंट रेटा का जनरल करेक्टर हमने क्या पढ़ा था? दैट द लार्वल स्टेज इज प्लेनुला। लेकिन हाइड्रा में कोई लार्वा नहीं बनता, प्लेनुला लार्वा बनता है लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर इज नो लार्वल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ हाइड्रा, द आंसर इज 4। क्वेश्चन से पहले मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा अटेंटिवली क्वेश्चन देखना, हाइड्रा इज एन एक्सेप्शन, ठीक है? लार्वल स्टेज ऑफ हाइड्रा होता ही नहीं है। इज इट क्लियर? अब याद रख लेना इसको अच्छे से। इन जनरल अगर मैं लार्वल स्टेज ऑफ हाइड्रा की जगह लार्वल स्टेज ऑफ सीलेंट्रेट लिख देता, इन दैट केस द आंसर वुड हैव बीन प्लेनुला। बट मैंने स्पेसिफाई कर दिया हाइड्रा, देयर इज नो लार्वल स्टेज इन हाइड्रा। कोमल कह रही है हाइड्रा में लार्वा नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, हाइड्रा में लार्वा नहीं बनता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मरमेड्स ग्लव्स इज द कॉमन नेम ऑफ, मरमेड्स ग्लव्स किसे कहेंगे? इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम है? क्लियोना, गॉर्गोनिया, चलाइना, हॉर्मिफोरा। क्लियोना, गॉर्गोनिया, चलाइना, हॉर्मिफोरा। कोई बात नहीं, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। देखो एक बात को समझो बच्चों अच्छे से, कोई क्विज हमारे सामने आता है, कोई टेस्ट पेपर हमारे सामने आता है, तो उसका बेसिक मोटिव केवल ये नहीं होता है कि हम उसको सही से रिप्लाई कर दें। होता क्या है हमारे साथ, हम सही रिप्लाई कर देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हम सही रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो हम परेशान होते हैं कि हमें चीजें नहीं पता है। लेकिन आपको इसको दूसरे एंगल से देखना चाहिए। किसी भी क्विज का, किसी भी डीपीपी का, किसी भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट का, किसी भी बुक का, जहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका अल्टीमेट पर्पज ये होता है कि आपका नॉलेज बढ़े, जो चीजें आपको पता नहीं है वो चीजें आपको पता चले। तो जब आप क्वेश्चन गलत करते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई चीज अगर मुझे नहीं पता है तो मैं उसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, दैट इज नॉट एन इश्यू। लेकिन जिस दिन मुझे ये पता चल जाए कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है,
और मैं ये भी जानता हूँ कि इसकी जानकारी रखना मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे नीट और एम्स का एग्ज़ाम देना है, तो ये पता करने के बाद भी मैं उसके बारे में ना जानूँ, देन इट इज़ एन इशू। तो अब आपको ये आंसर पता चल गया है, आपका नॉलेज बढ़ गया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप इसको याद रखें, ठीक है। परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को सारी की सारी चीज़ें पता हों। आ रही बात समझ में? सो डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर दीजिए आप तो, मरमेड ग्लव्स। हाँ ठीक है, इसका आंसर ज्यादातर बच्चों का सही आ रहा है, हालांकि कुछ बच्चे इसमें भी गलत आंसर दिए जा रहे हैं। इन सब के नाम लिखे देता हूं मैं। क्लियोना इज नोन एज बोरिंग स्पंज, जो कि मोलस्का के जो मेंबर्स हैं उनके एक्सोस्केलेटन में छोटे छोटे माइन्यूट अपर्चर कॉज करता है। गॉर्गोनिया इज नोन एज सी फैन। चलाइना इज नोन एज मरमेड ग्लव्स, जो ऊपर लिखा है। हॉर्मीफोरा इज नोन एज सी वॉलनट, ये आएगा अभी, टिनोफोरा में आएगा, इसको पढ़ेंगे, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है। खैर, चलाइना मैं बता चुका हूं आपको पहले। तो ये बच्चों, ये हो गया हमारा आज का क्विज, और सीलेंट्रेटा के एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लो, क्योंकि यहां पर हमने कल सेशन हमारा ओवर कर दिया था। इसके एग्जाम्पल एक बार आपको फिर से याद करवा देता हूं, कुछ अच्छे अच्छे डायग्राम देख लो, कोरल रीफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नोन एज सीलेंट्रेटा। चलो जी, ये जनरल करेक्टर्स पढ़े थे हमने सीलेंट्रेटा के, और इनमें से कुछ जनरल करेक्टर जो आपको अच्छे से याद रखने हैं वो कौन कौन से थे? डाइजेशन एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रासेल्यूलर, रेडियल सिमेट्री, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट प्लेनुला लार्वा, बट द एक्सेप्शन इज, आज ही डिस्कस किया है हमने, हाइड्रा। तो बच्चों, कल जब मैं ये बता रहा था ना आपको, ये फाइसेलिया है, दिस इज फाइसेलिया, जिसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी बोला जाता है। तो ये पूरी कॉलोनी है, इसके अंदर, इस कवर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उन सारे ऑर्गेनिज्म को कलेक्टिवली कहा जाता है जूइड्स, बहुत सारे होते हैं, डेक्टाइलोजूइड है, गैस्ट्रोजूइड है, गोनोजूइड है, माने कि पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी होती है। ये आपको जेलीफिश दिख रहा है, ये आपको कोरेलियम रुब्रम दिख रहा है जिसको रेड कोरल बोलते हैं, मूंगा मिलता है जिससे, ये जो ऊपर से आ रहे हैं देखो एलसायोनियम, सॉरी ये जो दिखाई दे रहा है आपको मेट्रीडियम सी एनिमोन, जिसमें बायरेडियल सिमेट्री होती है। एग्जाम्पल मैं वापस फिर से डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन एक जो टॉपिक हमने छोड़ दिया था सीलेंट्रेटा में, पहले मैं उसे डिस्कस कर लेता हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना है। मेटाजेनेसिस, देखो प्लांट्स में जब हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, ज्यादातर प्लांट्स में, तो ज्यादातर प्लांट्स की लाइफ साइकिल में हमें यह पता चलता है कि उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, अल्टरनेटिवली कुछ स्टेजेस अपीयर होती हैं। और प्लांट्स में जो अल्टरनेशन होता है बच्चों, वो किस तरह का होता है? प्लांट्स में अल्टरनेशन होता है कि हैप्लॉयड से डिप्लॉयड बन गया, डिप्लॉयड से फिर हैप्लॉयड बन गया, फिर हैप्लॉयड। तो इट अकर्स इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, दैट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड स्टेजेस। अब यहां सीलेंट्रेटा में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज बिटवीन एसेक्सुअल स्टेज एंड सेक्सुअल स्टेज। मतलब लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल स्टेज बनेगा, एसेक्सुअल स्टेज विल गिव राइज टू सेक्सुअल स्टेज, एंड सेक्सुअल स्टेज अगेन विल गिव राइज टू एसेक्सुअल स्टेज। दीज स्टेजेस विल अपियर अल्टरनेटिवली, एंड दिस स्पेसिफिक मोड ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नोन एज मेटाजेनेसिस, मीन्स एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्टेजेस अपीयर अल्टरनेटिवली। तो मेटाजेनेसिस की डेफिनेशन तो समझ में आ गई आपको। मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एक खास तरीका है।
एक विशेष विधि है, विशेष पद्धति है, स्पेसिफिक मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें एसेक्सुअल स्टेज सेक्सुअल स्टेज में कन्वर्ट होता है, सेक्सुअल स्टेज एसेक्सुअल में, माने कि ये स्टेजेस अल्टरनेटिवली अपीयर होते हैं। एक बात तो हुई ये, दूसरी बात जो एसेक्सुअल स्टेज है उसे हम कहते हैं बच्चों पॉलिप, और जो सेक्सुअल स्टेज है उसे हम कहते हैं मेड्यूसा। ठीक है जी, लाइफ साइकिल में जो एसेक्सुअल स्टेज बनेगा दैट इज पॉलिप, जो सेक्सुअल स्टेज बनेगा दैट इज मेड्यूसा। ये दूसरी चीज याद रखनी है आपको मेटाजेनेसिस के बारे में। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, देखता हूं रिया ने क्या पूछा है। रिया कह रही है सर वन मोर लार्वा इज फाउंड इन नेडीरियन दैट इज इन ईफायरा। बिल्कुल, ईफायरा लार्वा बनता है, वो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन से बनता है। ऑरेलिया जेलीफिश के लाइफ साइकिल में फ्रेगमेंटेशन होता है बॉडी का और उसको लार्वा बोल देते हैं हम। ठीक है, इन जनरल जो लार्वा बनता है दैट इज जो मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है ना, तो वो मैं आपको बता दूंगा आगे। ए सेक्सुअल स्टेज को कहते हैं बच्चों पॉलिप, सेक्सुअल स्टेज को कहते हैं बच्चों मेड्यूसा। ठीक है, अब आपको जो अच्छे से चीज याद रखनी है वो ये कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सीलेंट्रेट्स मेटाजेनेसिस एग्जिबिट करते हैं, इसको क्लियर कर लेना है दिमाग में। जैसे सारे के सारे सीलेंट्रेट्स में प्लेनुला लार्वा नहीं बनता, वैसे ही सारे के सारे सीलेंट्रेट्स मेटाजेनेसिस एग्जिबिट नहीं करते। मेटाजेनेसिस टर्म कब काम में आएगा मैं समझने के लिए बता दूं, मान लो कि किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन सपोज 100 डेज का है, किसी सीलेंट्रेट का लाइफ स्पैन मानो 100 दिन का है, तो इन 100 दिनों में से अगर 50 to 60 days पॉलिप है, 40 to 50 days मेड्यूसा है। कहने का मतलब पॉलिप और मेड्यूसा दोनों ऑलमोस्ट इक्वल टाइम ड्यूरेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं। 100 दिन का लाइफ स्पैन है, उसमें से 40-50 दिन पॉलिप स्टेज में रहता है ऑर्गेनिज्म, 40-50 दिन मेड्यूसाइड स्टेज में रहता है, तब हम कहेंगे दैट ऑर्गेनिज्म इज एग्जिबिटिंग मेटाजेनेसिस। तो सारे सीलेंट्रेट मेटाजेनेसिस एग्जिबिट नहीं करते। मेटाजेनेसिस का जो प्रिंसिपल एग्जाम्पल है बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट इज ओबेलिया ऑल्सो नोन एज सी फर। अब हाइड्रा के बारे में पूछा जाए, हाइड्रा मेटाजेनेसिस एग्जिबिट नहीं करता क्योंकि हाइड्रा में मेड्यूसा होता ही नहीं, हाइड्रा में केवल पॉलिप स्टेज होता है। ठीक है जी, तो मेटाजेनेसिस फिर से रिपीट करूं, स्पेसिफिक मोड ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पॉइंट वन, इन विच एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्टेजेस अपीयर अल्टरनेटिवली पॉइंट टू, थ्री एसेक्सुअल स्टेज इज नोन एज पॉलिप, सेक्सुअल स्टेज इज नोन एज मेड्यूसा, पॉइंट फोर दे बोथ शुड बी अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट इक्वल टाइम ड्यूरेशन इन द लाइफ साइकिल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, फॉर एग्जाम्पल ओबेलिया। तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मेटाजेनेसिस एग्जिबिट नहीं करते। मेटाजेनेसिस टर्म हम काम में तब लेंगे जब पूरे लाइफ स्पैन में से सिग्निफिकेंट टाइम पॉलिप स्टेज में हो और सिग्निफिकेंट टाइम मेड्यूसा में हो। अब मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन 100 डेज है, इन 100 डेज में से 2 से 3 दिन के लिए पॉलिप बनता है और बाकी 97 डेज के लिए मेड्यूसाइड स्टेज में रहता है, दैट इज नॉट मेटाजेनेसिस। आ गई बात समझ में, अपियर तो हो रहे हैं अल्टरनेटिवली बट दे आर नॉट अपियरिंग फॉर सिग्निफिकेंट टाइम ड्यूरेशन, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अब बच्चों, अब मैं आपको पॉलिप और मेड्यूसा में डिफरेंसेस बता देता हूं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। पॉलिप एंड मेड्यूसा, पॉलिप जो है जैसा कि हमने पढ़ा इट इज एसेक्सुअल स्टेज, मेड्यूसा इट इज सेक्सुअल स्टेज। पहला डिफरेंस, पॉलिप होता है सिलिंड्रिकल, मेड्यूसा होता है अम्ब्रेला शेप्ड। एग्जाम्पल के लिए मैं यूं बना दूं और ये होता है अम्ब्रेला शेप्ड, लाइक दिस। आ गई बात समझ में।
पॉलिप स्टेज इज यूजुअली सेसाइल, माने कि परमानेंटली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, मूवमेंट नहीं होता है पॉलिप स्टेज में, और मेड्यूसा इनमें मूवमेंट होता है मेड्यूसॉइड स्टेजेस में. पॉलिप गिव्स राइज टू मेड्यूसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेड्यूसा गिव्स राइज टू पॉलिप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें इस तरफ माउथ होगा, इसमें इस तरफ माउथ होगा. अब आपसे पूछा जाए पॉलिप स्टेज का एग्जांपल क्या है, तो आप कह सकते हैं हाइड्रा. आपसे पूछा जाए मेड्यूसा स्टेज का एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख दूं हाइड्रा. हाइड्रा इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिप. ऑरेलिया जेलीफिश इज एन एग्जांपल ऑफ मेड्यूसा. लेकिन इंटरेस्टिंगली न तो हाइड्रा न ही ऑरेलिया दोनों में से कोई भी मेटाजेनेसिस एग्जिबिट नहीं करता. मेटाजेनेसिस कौन एग्जिबिट करता है बच्चों, अभी क्या लिखा मैंने, ओबेलिया और सीफर, जिसमें कि पॉलिप और मेड्यूसा ऑलमोस्ट इक्वल टाइम ड्यूरेशन के लिए अपीयर होते हैं. ठीक है, क्लियर. चलो जी आगे चलें. मेटाजेनेसिस आपको क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से. अब जरा जल्दी से सीलेंट्रेटा के इन एग्जांपल्स को देख लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं. हाइड्रा फाइसेलिया, हाइड्रा इसमें नहीं है, फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर. फाइसेलिया मैं आपको दिखा चुका हूं बच्चों, ये देखो ये रहा, दिस इज फाइसेलिया. ओबेलिया और सीफर, मिलीपोरा और स्टिंग कोरल, ये जो दिखाई दे रहा है ना, दिस इज मिलीपोरा, स्टिंग कोरल. मेट्रीडियम सी एनिमोन, बहुत इंपॉर्टेंट है सी एनिमोन, आपने देख लिया है, ये रहा. ऑरेलिया जेलीफिश, जेलीफिश भी आप देख चुके हैं, दिस इज जेलीफिश. ठीक है जी, मेड्यूसॉइड स्टेज में. गॉर्गोनिया सी फैन, ये देखो पंखे के जैसा दिख रहा है, ये है आपका गॉर्गोनिया. फंजिया मशरूम कोरल, ये देखो मशरूम के जैसा दिखाई दे रहा है, तो मशरूम कोरल हो गया. कोरेलियम रूब्रम रेड कोरल, ये रहा. और इससे क्या मिलता है, मूंगा, जो कि अंगूठी में पहना जाता है, रत्न है एक. मैंड्रिना ब्रेन कोरल, ये देखो ब्रेन के जैसा दिखाई दे रहा है. और आखिरी एल्सायोनियम डेडमैन्स फिंगर. तो ये जो देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये डेडमैन्स फिंगर हो गया. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गए सीलेंट्रेटा के. हाइड्रा फाइसेलिया, फाइसेलिया के लिए आपको याद रखना ही है कॉलोनियल, और क्या याद रखना है, पॉलीमॉर्फिक, दोनों चीजें याद रखनी है फाइसेलिया के लिए. ओबेलिया के लिए क्या याद रखना है, इट एग्जिबिट मेटाजेनेसिस. मेट्रीडियम सी एनिमोन के लिए क्या याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बाई रेडियल सिमिट्री. तो हर ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई स्पेसिफिक फीचर होगा जो कि आपको अच्छे से याद रखना है. ठीक है जी, चलिए अब आगे चलें, इनको अच्छे से देख लो एक बार. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं कोरल रीफ. अब मैं आपको समझाता हूं कोरल रीफ क्या होते हैं. सबसे पहले तो आपको कोरल का मीनिंग समझ में आना चाहिए. कोरल का मतलब है
सीलेंट्रेट विद एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे किसी भी सीलेंट्रेट को जनरल लैंग्वेज में, जनरल टर्मिनोलॉजी में हम क्या कह देते हैं? कोरल। जैसे मैंने लिखा स्टिंग कोरल, जैसे मैंने लिखा मशरूम कोरल, रेड कोरल, ब्रेन कोरल, जहां भी कोरल टर्म आ गया इसका मतलब वो ऐसा सीलेंट्रेट है जिसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है ये डाइवर्सिफाइड कलर में होता है, मतलब किसी में रेड मिलेगा। आप देखो इसको, ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज दिखाई दे रहा है, ये ग्रेइश दिखाई दे रहा है, कोई ब्लू दिखाई दे रहा है, कोई कैसा दिखाई दे रहा है। अब ये सारे के सारे कोरल समुद्री पानी में, सी वाटर में मिलकर के एक बड़ी सारी कॉलोनी बना लेते हैं, लार्ज कॉलोनी, लार्ज कॉलोनी ऑफ कोरल्स इज नोन एज कोरल रीफ। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, दूसरा दे यूजुअली एन सर्कल एन आइलैंड, कोई आइलैंड होगा, कोई द्वीप होगा, उसको ये चारों तरफ से कवर करेंगे। जैसे मान लो कि ये कोई द्वीप है समुद्री पानी में और ये चारों तरफ पानी है, तो इसको चारों तरफ से ये कवर करेगा कोरल रीफ। आ गई बात समझ में? चारों तरफ पानी है, इनके बीच में भी पानी है, ये आइलैंड है और ये क्या है? कोरल रीफ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, ग्रेट बैरियर रीफ। और ये इतना बड़ा होता है कि ये पूरे ऑस्ट्रेलिया को चारों तरफ से एनसर्कल कर रहा है। इसका जो पेरिफेरी है, इसकी जो लेंथ है, वो होती है लगभग 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, इतना इसका लेंथ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। आ गई बात समझ में? और एक चीज जो पूछी जाती है कि आइलैंड और कोरल रीफ के बीच में जो पानी का ये कॉलम दिखाई दे रहा है, ये जो वाटर है, इस वाटर को कहा जाता है लेगून। मतलब कोरल रीफ होगा जो किसी आइलैंड को कवर करेगा, तो उस कोरल रीफ और आइलैंड के बीच में जो पानी है, ओशनिक वाटर, समुद्र का पानी, उसे लेगून कहा जाएगा। ठीक है जी, ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा कोरल रीफ होगा। दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशियंट। और भी हैं फिर कोरल रीफ के टाइप्स वगैरह हैं, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट इट अगेन, कोरल एनी आर्थ्रोपोड, सॉरी एनी सीलेंट्रेट विद एन एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन ऑफ सीलेंट्रेट्स और कोरल्स आर कलरफुल, अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे आपने इधर देखा अभी, ये देखो ये ग्रीन है, ये दूसरा ग्रीन कलर हो गया, वो रेडिश हो गया, वो ऑरेंज हो गया, ये येलोइश हो गया, ये येलोइश हो गया, तो अलग अलग कलर के होते हैं ये सारे के सारे। और ये सब मिलकर के ओशनिक वाटर में एक बड़ी सारी कॉलोनी बनाते हैं, ये कॉलोनी कहलाती है कोरल रीफ, जो बहुत ही कलरफुल होती है, उसका एक सेपरेट इकोसिस्टम होता है। ठीक है, कोरल रीफ यूजुअली किसी न किसी द्वीप को, किसी आइलैंड को चारों तरफ से कवर करती है। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ है। अब कोरल रीफ और आइलैंड, इनके बीच में जो पानी है, वाटर कॉलम है, उसे कहा जाता है बच्चों लगून। ओके, तो मैं देखता हूं अब आपके कुछ क्वेश्चंस अगर हों इसमें तो। ठीक है, प्रियंका बाला सुब्रमण्यन कह रही है एटॉल, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, तीन तरीके की कोरल रीफ होती है, लेकिन आप मत पढ़िए उनको, इतनी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है ना, जल्दी से बताता चलूं आपको, अगर ये आइलैंड पूरा पानी में डूब जाए और कोरल रीफ केवल पानी को कवर कर रहा हो, दैट इज एटॉल। अगर इस आइलैंड का मार्जिन और ये कोरल रीफ, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ 100 मीटर्स का हो, तो वो फ्रिंजिंग रीफ है।
अगर इनके बीच का डिस्टेंस किलोमीटर्स में चला जाए तो वो बैरियर रीफ है, बट दिस मच इंफॉर्मेशन इज नॉट नीडेड, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस मच इज। कोमल अग्रवाल कह रही है लगून, यस लगून इज द वाटर कॉलम विच इज प्रेजेंट बिटवीन द कोरल रीफ एंड द आइलैंड, ठीक है ना, अभी मैंने बता दिया है बेटा। चलिए जी, दैट इज ऑल अबाउट सीलेंट्रेटा, नाउ वी कम टू टीनोफोरा। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम मूव कर रहे हैं बच्चों सीलेंट्रेटा पर, ठीक है जी। सीलेंट्रेटा के बारे में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, इट इज स्मॉलेस्ट फाइलम। जब हम कहते हैं स्मॉलेस्ट फाइलम, इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम नंबर ऑफ स्पीसीज, इसमें स्पीसीज काउंट सबसे कम होता है, ठीक है। अब आ जाइए इनके जनरल करेक्टर्स पर, पढ़ते जाइए अच्छे से। एक्वेटिक, एक्सक्लूसिवली मरीन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको हम कंपेयर करेंगे सीलेंट्रेटा के मेंबर्स से, तो सीलेंट्रेट जो है वो एक्वेटिक तो होते हैं लेकिन हमने लिखा था मोस्टली मरीन, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, जैसे हाइड्रा गैंगेटिका गंगा नदी में मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई, पहला सबसे छोटा फाइलम है, दूसरा केवल मरीन वाटर में मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वही है, सेल टिश्यू ग्रेड जो हमने सीलेंट्रेटा में पढ़ा था सेम ऑर्गेनाइजेशन है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान सेम वही है जो हमने सीलेंट्रेटा में पढ़ा था, नो चेंज एट ऑल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, बाई रेडियल सिमेट्री। ये बाई रेडियल सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों, और बाई रेडियल सिमेट्री में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सीधे सीधे जो चीज याद रखनी है वो क्या, एक तो मैट्रीडियम या सी एनीमोन सीलेंट्रेटा में, और दूसरा सारे के सारे टीनोफोर्स, इनमें सब में बाई रेडियल सिमेट्री होती है। सिमेट्री वाला सेक्शन जिन बच्चों ने पढ़ा था उनको अच्छे से पता होगा। एट पैरेलल कॉम्ब प्लेट्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी। अब मैं जैसे इनका बॉडी बनाऊं, जैसे ये ऑर्गेनिज्म दिख रहा है ना आपको, ये प्लूरोब्रैकिया है, प्लूरोब्रैकिया जिसको सी गूजबेरी कहते हैं, गोल सा दिखाई दे रहा है इस तरह का, ये इनका मान लो माउथ है। अब इनकी बॉडी पर होता क्या है, ये एट पैरेलल लाइंस हो गए जो पूरी बॉडी पर है। ये लाइंस कैसे बने, सिलिया के फ्यूजन से। सिलिया किसके हैं, ये सेल पढ़ लो जरा, एक कॉलोब्लास्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। जैसे स्पॉन्जेस में हमने पढ़ा था कॉलर सेल, जैसे सीलेंट्रेट्स हैं, सॉरी उसी तरीके से इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉलोब्लास्ट। तो अब देखो ये कॉलोब्लास्ट के सिलिया आपस में फ्यूज होकर के इस तरीके के लाइंस बना रहे हैं। जब सिलिया आपस में फ्यूज होकर के लाइंस बनाएंगे इस तरीके के रेडियली अरेंज कॉर्ड्स, तो ये कंघे के जैसे दिखाई देने लगेंगे, कॉम्ब के जैसे। तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, कॉम्ब प्लेट्स, कॉम्ब के जैसे दिखाई देते हैं, कंघे के जैसे दिखाई देते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप बाय द फ्यूजन ऑफ सिलिया। तो कॉम्ब प्लेट वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना है। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन सेम बाय डिफ्यूजन, जैसा कि सीलेंट्रेटा में था। अब देखो ये तीनों चीजें अच्छे से याद रखो, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनमें बायोल्यूमिनेसेंस होती है, और कॉलोब्लास्ट मिलती है। ट्रांसपेरेंसी तो आप तो दिख रही है, देखो ये जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दे आर मोर और लेस ट्रांसपेरेंट, लगभग लगभग ट्रांसपेरेंट है। और इनमें अच्छा बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब दे हैव द एबिलिटी टू एमिट लाइट। लाइट एमिट किस वजह से करते हैं ये, दे पजेस ए सब्सटेंस ल्यूसिफेरिन जिसकी वजह से लाइट एमिट कर पाते हैं ये। अच्छा लाइट एमिट क्यों करते होंगे, क्योंकि यूजुअली डीप वाटर कॉलम में मिलते हैं, गहराई में मिलते हैं जहां पर लाइट पेनिट्रेट नहीं करती। और जो पानी में गहराई पर मिलते हैं, पैंदे में मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेंथिक, बेंथोस, शुरू में हमने पढ़ा था। तो दैट इज व्हाई दे एमिट लाइट। जैसे जुगनू है तो जुगनू भी लाइट एमिट करता है, उसी तरीके से ये भी लाइट एमिट करते हैं, ठीक है।
और कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करता है तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है जी। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब यहां चेंज आ गया है, सीलेंट्रेटा में एसेक्सुअल भी था, बडिंग होता था उसमें, और सेक्सुअल भी था, यहां केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड द लार्वल फॉर्म इज नोन एज सिडीपिड। सीलेंट्रेटा शुरू से चलो, पोरीफेरा में स्पॉन्जेस में दो लार्वा पड़े थे, एम्फीब्लास्टुला पेरेन्काइम्योला पड़े थे, फिर प्लेनुला लार्वा पड़ा सीलेंट्रेटा में, और यहां कौन सा लार्वा आ गया है बच्चों, सिडीपीड लार्वा। अब इसके दो तीन एग्जांपल याद रखने हैं बस आपको, जैसे हॉर्मीफोरा जिसको सी वॉलनट बोलते हैं, प्लूरोब्रेकिया जिनको सी गूसबेरी बोलते हैं, दोनों ऐसे ही दिखाई देते हैं, गेंद के जैसा दिख रहा है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा, बॉल के जैसा, तो इसको बेरी के जैसा बता दें या वॉलनट अखरोट के जैसा बता दें, ठीक है, सी वॉलनट। सेस्टम वीनस गर्डल, ये देखो गर्डल के जैसा दिखाई दे रहा है, बेल्ट जो बांधते हैं कमर पे, ये लगभग लगभग वैसा ऑर्गेनिज्म है, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, दिस इज सेस्टम, या हम कहें वीनस गर्डल, इसको हम क्या कहें, सी गूसबेरी। बेरॉय, ये ऑर्गेनिज्म बेरॉय है, ये एक जू प्लैंक्टॉन है, टीनोफोर ही है लेकिन जू प्लैंक्टॉन की तरह बिहेव करता है, ये सारे के सारे देखो इसकी बॉडी पर भी ये एट पैरेलल प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, चार तो इस तरफ से, पांच इस तरफ से दिख रही हैं, तीन उस तरफ होंगी, इसकी बॉडी पर भी आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 ये प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, यहां पर भी ये प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, ऑल दीज आर नोन एज कॉम्प्लेट्स। तो कलेक्टिवली इन सारे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह देते हैं, कॉम्ब जेलीज, मतलब कॉम्ब प्लेट भी होंगे इनमें और इनका मीजोग्लिया वाला लेयर भी थिक होगा। ठीक है साहब, फिर से देख लो सीलेंट्रेटा के कंपैरिजन में डिफरेंस क्या क्या है। पहला डिफरेंस जो आपको याद रखना है बच्चों, वो ये याद रखना है कि ये केवल मरीन वाटर में मिलते हैं, फर्स्ट। सेकंड डिफरेंस आपको क्या याद रखना है कि इनमें सिमेट्री केवल बायरेडियल होती है। तीसरा डिफरेंस, इनमें कॉलोब्लास्ट मिलता है जिसके सिलिया फ्यूज होकर बनाते हैं कॉम्ब प्लेट्स। चौथा डिफरेंस, केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। पांचवा डिफरेंस, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वा है सिडीपीड। और छठा इंपॉर्टेंट फीचर, दैट दे एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस बिकॉज ऑफ ए प्रोटीन नोन एज ल्यूसीफेरिन, जिसकी वजह से ये लाइट एमिट कर पाते हैं। बॉडी पर 8 लॉन्गिट्यूडिनल पैरेलल प्लेट्स होंगी, सिलिया के फ्यूजन से बनेंगी, इस वजह से उनको क्या कहेंगे बच्चों, कॉम्ब प्लेट्स। ठीक है, चलो जी, ये हो गया आपका टीनोफोरा, छोटा सा फाइल, हमें 5-6 चीजें याद रखनी है बस, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो जो मैंने यहां रिपीट की आखिरी बार अभी, बस वो याद रखनी है। आइए जी अगले फाइलम में आते हैं जिसका नाम है बच्चों प्लेटीहेल्मिंथीज। तब तक मैं देखूं किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन आया क्या। रिया कह रही है कॉलोब्लास्ट एंड लेसोसेल आर द सेम, यस सिनोनिम है। रविकेश कह रहे हैं सर बाइलेटरल सिमेट्री होता है ना, नहीं बाई रेडियल सिमेट्री होता है बेटा, इट इज नॉट बाइलेटरल, इट इज बाई रेडियल। ठीक है ना, चलो ठीक है, अब लगभग लगभग चलो, अब जो फाइलम आया है बच्चों हमारे सामने प्लेटीहेल्मिंथीज, इसका अपना एक एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। अब मैं जो बातें कहने जा रहा हूं उनको जरा अच्छे से सुनना, क्योंकि प्लेटीहेल्मिंथीज ऐसा फाइलम है बच्चों जिसमें बहुत सी चीजें पहली बार अपीयर हुई, इनसे पहले वो थी ही नहीं किसी भी एनिमल में। आ रही है बात समझ में? तो बहुत सी चीजें, बहुत से ट्रेट्स, बहुत से करेक्टर्स प्लेटीहेल्मिंथीज में पहली बार अपीयर हुए एवोल्यूशनरी प्रोसेस में। क्या क्या चीजें अपीयर हुई भाई, देखो अब सुनते जाओ। सबसे पहली चीज, मैं जनरल करेक्टर्स पर बाद में आऊंगा, सबसे पहली चीज
थ्री डिस्टिंक्ट जर्म लेयर्स, माने एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इससे पहले दो ही जर्म लेयर बने हैं, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म डिफाइंड नहीं होता, न टीनोफोर्स में, न सीलेंट्रेट्स में, ना पोरिफेरेंस में। तो थ्री डिस्टिंक्ट जर्म लेयर्स अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है जी, एक बात, सीलोम टर्म पहली बार यूज करेंगे हम, हालांकि यूज करेंगे कि ये एसीलोमेट होते हैं, बट सीलोम टर्म विल बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस फाइलम। थर्ड, एलिमेंट्री कैनाल टर्म विल बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले टीनोफोरा हो चाहे सीलेंट्रेटा, दोनों में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थी। पोरीफेरा में स्पॉन्जोसील था, पैरागैस्ट्रिक कैविटी थी। एलिमेंट्री कैनाल टर्म काम में नहीं लिया था हमने, अब यहां हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल, हालांकि वो एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है क्योंकि उसकी ओपनिंग एक ही होती है, सिंगल ओपनिंग, तो ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान हो जाता है। तो ये तीसरी चीज आ गई, जर्म लेयर आ गए, सीलोम टर्म पहली बार काम में लिया, एलिमेंट्री कैनाल पहली बार बना, ठीक है ना। चौथा, एक्सक्रीशन अब तक हमने क्या पढ़ा है, डिफ्यूजन से, जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन। यहां एक्सक्रीशन के लिए पहली बार स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर अपीयर हुए जिनको हमने कहा सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया या पॉपुलर जो उनका नाम है दैट इज फ्लेम सेल्स। पहली बार है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इस पर। इससे पहले या तो ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री थी ही नहीं, और अगर थी तो स्फेरिकल, रेडियल या बायरेडियल। बायलेटरल सिमेट्री पहली बार किसमें आई, प्लेटीहेल्मिंथीज में। सेगमेंटेशन पहली बार किसमें आया, प्लेटीहेल्मिंथीज में, हालांकि वो फॉल्स है, वो ट्रू मेटामेरिज्म नहीं है, स्यूडो मेटामेरिज्म है, लेकिन सेगमेंटेशन पहली बार किसमें आया, प्लेटीहेल्मिंथीज में। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स, बहुत सारी चीजें पहली बार इस फाइलम में अपियर हुई हैं जो आपको इसी के साथ याद हो जानी चाहिए। अब बच्चों हम आते हैं जनरल करेक्टर्स पर। देखो, जैसे मैं यहां आपके लिए एक ऑर्गेनिज्म ड्रॉ कर दूं जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, ये लिवर फ्लूक है बच्चों, फैशियोला जिसे हम कहते हैं। ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, ये बाहर बॉडी वॉल और अंदर एलिमेंट्री कैनाल, इन दोनों के बीच में एक टिश्यू भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं पेरेन्काइमा, जिसका ओरिजिन कैसा है बच्चों, मेसोडर्मल। तो अब जनरल कैरेक्टर देखो जरा, फर्स्ट मोस्टली एंडोपैरासिटिक, ज्यादातर किसी न किसी वर्टिब्रेट की बॉडी में एंडोपैरासाइट होंगे, ज्यादातर मैं कह रहा हूं, कुछ फ्री लिविंग होंगे। टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बच्चों पहली बार आया, बताना भूल गया था मैं। अब तक हमने ऑर्गेनाइजेशन क्या पढ़ा था, सेल टिश्यू ग्रेड, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान तो आ चुका पहले, ये पहली बार आया। ट्रिप्लोब्लास्टिक अभी डिस्कस किया हमने पूरे एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में। ए सीलोमेट, सीलोम टर्म काम में ले रहे हैं पहली बार। बायलेटरल सिमेट्री पहली बार, इससे पहले नहीं है। अब देखो, रेस्पिरेशन तो डिफ्यूजन से ही हो रहा है, लेकिन एक्सक्रीशन के लिए क्या आया, फ्लेम सेल पहली बार। और यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, सीढ़ी के जैसा। होता क्या है, इनकी बॉडी के एंटीरियर एंड पर यहां दो गैंग्लियन होते हैं आगे की तरफ, इन दो गैंग्लियन से दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स निकलते हैं और फिर ये नर्व्स इनको हॉरिजॉन्टल नर्व्स आपस में कनेक्ट करती हैं। तो ये सीढ़ी के जैसा दिखाई देने लग गया, आ गई बात समझ में। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम दैट इज फाउंड इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिंथीज, मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट, माने कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इसमें आपको किसी एक स्पेसिफिक लार्वा का नाम याद नहीं रखना है क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में बहुत सारे लार्वा होते हैं। जैसे फेशियोला, ये जो मैंने डायग्राम बनाया यहां, इसके लाइफ साइकिल में 5 लार्वा होते हैं, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। आ रही है बात समझ में।
तो लाइफ साइकिल इनका कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनकी लाइफ साइकिल में यूजुअली एक से ज्यादा होस्ट इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे ये है शीप लिवर फ्लूक, तो इसकी लाइफ साइकिल में प्राइमरी होस्ट है शीप, सेकेंडरी होस्ट है फ्रेश वाटर्ड स्नेल, तो शीप और स्नेल दोनों की बॉडी में डेवलप होते हैं ये, तो लाइफ साइकिल इनका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको इनके प्लेटीहेल्मिंथीज के इंपॉर्टेंट करेक्टर्स फिर से बता रहा हूं, जो जो चीजें पहली बार अपीयर हुई है एटलीस्ट वो आपको अच्छे से याद रखनी है। पहला, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीन जर्म लेयर पहली बार बने। दूसरा, सीलोम टर्म हमने पहली बार काम में लिया, दो दे आर एसिलोमेट्स, आ रही है कि नहीं बात समझ में। तीसरा, एलिमेंट्री कैनाल पहली बार बना, हालांकि इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब सिंगल ओपनिंग, इधर से बंद, अगर ये इधर से खुल जाता तो कंप्लीट हो जाता। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल टर्म पहली बार काम में लिया। चौथा, फ्लेम सेल्स विच आर मेंट फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर इससे पहले नहीं था, एक्सक्रीशन डिफ्यूजन से चल रहा था सारा का सारा, आ रही है बात समझ में। बायलेटरल सिमेट्री अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, लैडर लाइक सीढ़ी के जैसा नर्वस सिस्टम जिसमें एंटीरियर एंड पर गैंग्लियन है, फिर ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स हैं और फिर ये हॉरिजॉन्टल नर्व्स हैं। आ गई बात समझ में। दीज आर द जनरल करेक्टर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिंथस, और प्लेटीहेल्मिंथस को सिंपल लैंग्वेज में बच्चों हम क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म्स, चपटे होते हैं ये। जैसे अगर मैं इसका सेक्शन लूं ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में ये ऐसा दिखेगा, चपटा बॉडी है, फ्लैट। आ गई बात समझ में। तो दैट इज ऑल अबाउट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज। मेरे ख्याल से आपको याद रह जाएंगे, जो 6-7 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं वो एटलीस्ट आपको याद रखनी। ठीक है जी, चलो आगे चलें। अब इनके एग्जांपल देख लो बच्चों, कुछ मैं आपके कुछ क्वेश्चंस भी देख लूं। निखिल कह रहे हैं इकाइनोकॉकस इज डॉग फ्लूक, बेटा फ्लूक मत बोलो, डॉग टेप वर्म। फ्लूक का मतलब होता है पत्ती के जैसा, जैसे अभी जो मैंने डायग्राम बनाया ना, ये देखो ये पत्ती के जैसा दिख रहा है, लीफ के जैसा, इनको कहते हैं फ्लूक्स। और जो रिबन के जैसे होते हैं, जैसे ये देखो टेप वर्म, जो रिबन के जैसे होंगे सेगमेंटेड होंगे उनको कहेंगे टेप वर्म्स। तो एकाइनोकॉकस डॉग टेप वर्म है, डॉग फ्लूक नहीं है। ठीक है जी, चलो मैं देखूं। अब कालिदास कह रहे हैं सर इज देयर स्पेस फॉर मी इन योर ड्रॉपर बैच, 100% कालिदास आप आ जाइए, और ड्रॉपर बैच की क्लास में लेता हूं अनअकैडमी प्लस पर रात को 8:30 बजे, शार्प एट 8:30, सो यू ज्वाइन दैट बैच। ठीक है ना, चलो ठीक है। युधिष्ठिर गौतम कह रहे हैं प्राइमरी होस्ट इज मोर अफेक्टेड और सेकेंडरी होस्ट, अफेक्ट तो दोनों ही होते हैं, लेकिन प्राइमरी होस्ट हम उसे कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल स्टेजेस कंप्लीट होते हो लाइफ साइकिल के, और सेकेंडरी होस्ट उसे कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के एसेक्सुअल स्टेजेस कंप्लीट होते हो। डैमेज दोनों की बॉडी में होगा, डिजीज दोनों की बॉडी में होगा, डिस्ट्रक्शन दोनों की बॉडी में होगा। तो प्राइमरी या सेकेंडरी होस्ट को हम डिफाइन इस बेस पर नहीं करते कि किसमें डिजीज हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है। ठीक है जी, अब जरा ये एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। पहला एग्जाम्पल जो दिखाई दे रहा है बच्चों यहां आपको, दैट इज जुगेशिया और प्लेनेरिया। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात आपको यह याद रखनी है कि यह फ्री लिविंग है, अकेला ऐसा एग्जाम्पल है जो इतने सारे एग्जाम्पल्स में मैंने मेंशन किया है, और यह आपका ड्यूगेशिया है, यह फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है जी, फेशियोला शीप लिवर फ्लूक, ये देख ही रहे हैं आप, फ्लूक जहां भी आपको लिखा हुआ दिख जाए इसका मतलब है उसका शेप पत्ती के जैसा सा होगा। शिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक, अब एक बार ये देखो जरा, इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। शिस्टोसोमा में ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बच्चों शिस्टोसोमा का, तो शिस्टोसोमा में आप ये देखो अकेला ऐसा एग्जांपल है ये शिस्टोसोमा। अभी हमने देखो जनरल कैरेक्टर्स में क्या पढ़ा,
जनरल करेक्टर्स में हमने ये पढ़ा कि मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे मोस्टली, लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है ना शिस्टोसोमा, ये एक्सेप्शन है. शिस्टोसोमा इज यूनिसेक्सुअल, और न केवल यूनिसेक्सुअल है बल्कि इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी होता है. कहने का मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब जरा इसको देखो, ये फीमेल दिखाई दे रहा है, दिस इज फीमेल, और ये मेल ऑर्गेनिज्म है. इसकी पूरी बॉडी पर, इसकी पूरी लंबाई पर देखो, ये कैनाल है, एक खांच है पूरी की पूरी लेंथ पर, जिसको हम कहते हैं गाइनेकोफोरिक कैनाल, और फीमेल एनिमल इसी कैनाल में परमानेंटली रेजाइड करता है. तो शिस्टोसोमा एक एक्सेप्शनल केस हो गया है हमारे पास, जो कि प्लेटीहेल्मिंथीज में आता है, लेकिन यूनिसेक्सुअल है और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी एग्जिबिट करता है. पैरागोनिमस लंग फ्लू, की हमारे लंग्स में मिलता है. क्लोनोर्किस चाइनीज लिवर फ्लू, ये भी हमारी ही बॉडी में मिलता है. टीनिया सोलियम, जिसको पोर्क टेप वर्म कहते हैं. टीनिया सेजिनेटा, जिसे बीफ टेप वर्म कहते हैं. और इकाइनोकॉकस, जिसका अभी आपने किसी बच्चे ने कमेंट में लिखा था, दैट इज डॉग टेप वर्म. अब ये जो तीनों हैं, टेप वर्म जहां भी आ जाएंगे उनसे रिलेटेड एक चीज और याद रखनी है. जहां भी आप टेप वर्म लिखा देख लें, दे आर एक्सक्लूसिवली गट पैरासाइट्स, मतलब कि इंटेस्टाइन के पैरासाइट्स होंगे. और अगर गट पैरासाइट होंगे तो इनमें खुद में इंटेस्टाइन एब्सेंट होगा, क्योंकि इनको इंटेस्टाइन की जरूरत ही नहीं है. इंटेस्टाइन में इनको पहले से पचा हुआ खाना मिल जाएगा, प्री डाइजेस्टेड फूड मिल जाएगा. सो देयर इज नो नीड ऑफ इंटेस्टाइन. तो जहां भी टेप वर्म आपको दिखे, टेप वर्म्स को कलेक्टिवली कहते हैं सेस्टोड्स, ऑल टेप वर्म्स. ये जैसे कलेक्टिवली फ्लूक कहला रहे हैं ना सबके सब, दे ऑल आर फ्लूक्स, वैसे ही टेप वर्म्स कलेक्टिवली कहलाते हैं सेस्टोड्स. तो सेस्टोड्स आर एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन. दे डू नॉट पजेस एलिमेंट्री कैनाल, करेक्ट, बिकॉज प्री डाइजेस्टेड फूड इज अवेलेबल इन एबंडेंट क्वांटिटी फॉर देम. तो अब ये आपका डुगेशिया हो गया, ये आपका फेशियोला हो गया, ठीक है ना, ये आपका पैरागोनिमस हो गया लंग फ्लूक, ये आपका शिस्टोसोमा हो गया ब्लड फ्लूक, और ये आपका टेपवर्म हो गया. टेपवर्म जो दो लिखे ना हमने, टीनिया सेजिनेटा और टीनिया सोलियम, तो टीनिया सोलियम को तो लिखा है पोर्क टेपवर्म. व्हाट इज पोर्क? फ्लैश ऑफ पिग. और सेजिनेटा को लिखा है बीफ टेपवर्म. व्हाट इज बीफ? फ्लैश ऑफ काउ. तो इसका मतलब टीनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट तो पिग है, और टीनिया सेजिनेटा का सेकेंडरी होस्ट क्या है? काउ. प्राइमरी होस्ट दोनों के ही केस में क्या है? ह्यूमन. आ गई बात समझ में? तो ये हुआ बच्चों आपका सीलेंट्रेटा. मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी. कोई पूछ रहा है कि प्लेनेरिया पजेस ट्रू आइज? नो, आइज तो सबसे पहले आर्थ्रोपोडा में जाके बनेंगे. आर्थ्रोपोडा से पहले तो विजन की कैपेसिटी ही नहीं होती बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज्म में. अप टू एनेलिडा कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज नहीं कर सकता, दे ऑल आर ब्लाइंड. अच्छा, एपोलाइसिस. एपोलाइसिस ये जो आखिरी सेगमेंट है, एक एक करके टूटते रहते हैं, इंटेस्टाइन में गिरते रहते हैं, दैट इज नोन एज एपोलाइसिस. हाँ, तो यही तो बताया बेटा मैंने. चलो ठीक है, मेरे ख्याल से सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ गए हैं, और अब कोई और क्वेश्चन मुझे आपका दिखाई नहीं दे रहा है. तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, तीनों हम पढ़ चुके हैं, तीनों के इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर्स और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म.
ये आपको याद रखने हैं। और अब अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें एस्केहेल्मिंथीज और एनेलिडा, ये दो फाइलम हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी ही आपका नॉन कॉर्डेटा कॉर्डेटा वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, अब यहां पर टाइम इतना ज्यादा हमें नहीं लगेगा, ठीक है। जल्दी 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 करते जाएंगे और जैसे ही नॉन कॉर्डेट पूरे पढ़ लेंगे हम, फिर एक बार पूरे नॉन कॉर्डेट्स का कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे, सारे के सारे जनरल करेक्टर्स जितने भी थे उनका एक चार्ट बनाएंगे जिससे आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा खत्म हो। पीरियोडिकली क्विज हम ऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं और जब अगर वक्त मिला बीच में तो मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरा का पूरा लेक्चर क्विज को डेडिकेटेड हो जिसमें पहले हम सारा पढ़ लें, एटलीस्ट नॉन कॉर्डेटा पूरा पढ़ लें, तो नॉन कॉर्डेटा से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस करूं जो पुराने सालों में पूछे गए हैं वो भी, ठीक है। सो दैट ऑल्सो वी विल बी डूइंग। आज के लिए इतना ही बच्चों, हिट द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ये बात तो मैं रोजाना आपसे कहता ही हूं, आपको करना भी है, ये जितना जल्दी हो सके इसको स्प्रेड करो, सब लोगों तक पहुंचाओ, इसको बहुत बड़ा न्यूज एजुकेशनल पोर्टल हमें बनाना है। नीट और एम्स के लिए जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है पूरी दुनिया में कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में, उसके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए कि किसी रिसोर्स की कमी से, किसी और परेशानी की वजह से वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट उसके पास ये लाइव लेक्चर्स हों, अपने डाउट्स वो क्लियर कर पाए और अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो आप हेल्प कीजिए लोगों की, जितना आप बाकी लोगों की हेल्प करेंगे उतना ही आपकी खुद की हेल्प भी होती जाएगी। जितना अच्छा काम आप करेंगे, जितना पॉजिटिविटी आप स्प्रेड करेंगे, आपके जीवन में भी आपके लाइफ में भी उतनी ही पॉजिटिविटी आती जाएगी। ओके, सो साइनिंग ऑफ, मिलते हैं ठीक शाम 7 बजे, जहां आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है बच्चों आज शाम 7 बजे, टाइप ऑफ प्लेसेंटा, पार्चुरेशन, कल किसी ने पूछा था ट्विंस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा क्विज तो होगा ही। तो मिलते हैं शाम 7 बजे, और जो बच्चे प्लस पर हैं उनसे मैं मिलूंगा ठीक 25 मिनट के बाद, शार्प एट 4:30। सो गुड बाय एंड गुड लक, मिलते हैं शाम 7 बजे।